दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सीईओ मिस पेन से मिलने गए हैं और सीईओ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है करके। तो जो मिस पेन है उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सीईओ की तरफ देखती हैं। और फिर ये क्या कहा तुमने, दोनों खाना खा रहे होते हैं लेकिन ये बात सुन के क्वीन खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ब्रो जो तुमने कहा उसे इससे कहो क्या मैंने कुछ गलत सुना है करके। तो सीईओ बोलता है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं सुना है तुमने सही सुना है करके। तो क्वीन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये इम्पॉसिबल है करके। अब क्या होता है कि सीईओ बोलता है कि ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अपना डिस्टेंस रखें पब्लिक के अंदर आज से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरों को कोई गलत फहमी हो करके। और तभी वो ये भी बोलता है कि ऐसा ना हो कि मीडिया फिर कुछ का कुछ नॉनसेंस पब्लिश करना चालू कर दे। तो क्वीन बोलती है कि अब ब्रदर आप इस बारे में सीरियस हो करके। अब पूछती है कि मुझे बताइए कि वो कौन है, वो कौन सा इंसान है करके। तो सीईओ बताता है कि तुम उस इंसान से मिल चुकी हो। तो ग्रीन बहुत देर तक अपने माइंड में रीड करती है सारे लोगों को कि कौन सी लड़की होगी, किसके साथ इंगेज हुआ होगा, बहुत सारा सोचती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो अपना जिम का ग्लास टेबल पे रखती है और बोलती है क्या वो जैंग है, ल्यू है, बाई है, ये कौन सी लड़की है, मुझे एक बार देखने दो। तो सीईओ बोलता है कि वो कोई लड़की नहीं है। तो क्वीन जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि लड़की नहीं है तो कौन है जिससे सीईओ प्यार करता है। तो वो मन ही मन थोड़ा सा चिल्लाती है और फिर सीईओ बोलता है कि बहुत रात हो गई है हमें घर चलना चाहिए, मैं तुम्हें घर भेज देता हूँ। तो फिर बोलती है नहीं ब्रो वेट करो और मुझे बताओ क्या तुमने जो कुछ कहा उसके बारे में तुम श्योर हो क्या, तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा यदि तुम किसी और की वाइफ के साथ ये प्यार व्यार का चक्कर करोगे। तो मतलब क्वीन जो है वो सोच रही है कि सीओ किसी लड़की से नहीं प्यार करता है तो वो शायद किसी ऐसी औरत से प्यार करता है जो पहले से ही शादीशुदा है करके। तो सीईओ को भी झटका सा लगता है और वो बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो। और तो क्वीन बोलती है यदि वो लड़की नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई औरत होगी और तुमको ब्रो दो बार सोचना चाहिए, तुम ऐसे किसी और का फैमिली बर्बाद नहीं कर सकते और यदि इस तरह का सीन है तो मैं भी तुम्हारे साइड में नहीं खड़ी होंगी और सपोर्ट करूंगी। सीईओ बेचारा थक जाता है और सोचता है कि ये लड़की कितनी डम है और बोलता है क्या तुम किसी और जेंडर को कंसीडर नहीं कर सकती हो क्या। मतलब सीईओ का है कि लड़कियों के अलावा भी दूसरा जेंडर होता है जो लड़कों को भी लड़के मतलब लड़के भी जेंडर में आते हैं करके। तो क्वीन को झटका सा लग जाता है। अब रात हो चली होती है और कमरे में जी और गुरु बैठे होते हैं तभी सीईओ आता है और कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ वो देखता है कि ये जो है गुरु को लिटिल बॉस कहके बुला रहा है और बोलता है कि ये प्रोडक्ट कितने का है। तो गुरु बोलता है कि 3 रुपए का है उसका ये प्रोडक्ट उसकी डक्की। तो ही बोलता है क्या आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं। तो गुरु बोलता है कि डिस्काउंट नहीं दे सकता है और वो प्राइस और बढ़ा देता है, 3 की जगह 5 कर देता है। तो यही बोलता है कि दीदी तुम जो हो वो स्टॉल के ओनर का रोल प्ले कर रहे हो और मैं जो हूँ कस्टमर का रोल प्ले कर रहा हूँ जिसे डिस्काउंट चाहिए और मैंने कभी बार्गेन करना भी नहीं चालू किया है तो तुम कैसे प्राइस को बढ़ा सकते हो। तो एक मिनट के लिए सोचता है कि वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता तो क्यों नहीं बढ़ा सकता करके। तो ये बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे प्राइस को लोअर करना होगा धीरे धीरे जिससे कि दूसरे तुम्हारे स्टेप्स को बाय कर सके, यदि तुम प्राइस को रेज करते जाओगे तो मैं तुम्हारे स्टॉल से कुछ नहीं करूंगा और फिर तुम कुछ भी बेच नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे से सोचता है और सोचता है कि ऐसा सच में है और तभी उसे दिखाई देता है कि हमारे सीईओ दरवाजे के बाहर से देखते। तो रूरू का एक बल्ब जलता है सिर में और रूरू का आइडिया आता है और रूरू बोलता है कि
टैंग टैंग या तुम मेरा ये स्टफ 5-6 हजार में खरीदोगे क्या करके, तो ये भी देखता है, उसे भी लगता है कि अरे कब से ये आ गया करके। तो ये बोलता है, थोड़ा सा हंसता है, लेकिन जूरी बोलता है कि यदि तुम मेरा ये स्टफ नहीं खरीदोगे तो मैं इसका प्राइस और बढ़ा दूंगा। तो सीईओ झट से बोलता है ठीक है मैं खरीदूंगा। तो रीरू बहुत हैप्पी हो जाता है, बोलता है कि जूरू ने अपना स्टफ को सेल कर दिया है। और तभी सीईओ पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो। तभी ई बताता है कि मिस्टर लिंशी ने कहा है कि मुझे अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस पे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसका नया रोल आने वाला है जिसमें उसे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करना है। तो वो यहाँ भी वो चीज़ें याद कर रहा है जिसने दिन भर में की है, और वो बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ों का रिव्यू कर रहा हूँ जो मैंने दिन भर में की थी। और बोलता है ये काफ़ी हार्ड है क्योंकि मैं सारी चीज़ें सुपर मार्केट से एक बार में खरीद लेता था क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता था। और आज ही मुझे पता चला है मार्केट में जाके कि वहाँ पर दूसरी जगहों पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी चीप भी होते हैं। तो पॉइंट ये है कि तुम वहाँ जाके बार्गेन भी कर सकते हो। और मैंने सोचा नहीं था कि हम कोई चीज़ जो पहले से सस्ती है उसके ऊपर भी हम बार्गेन करके उसको थोड़ा और सस्ता करा सकते हैं। तभी उसे याद आता है कैसे मोमू ने वहाँ पर 7 युआन का जो उनका स्टफ था, प्रोडक्ट था, उसको कैसे 6 पे लाया और फिर कैसे उसको और कम किया और उसने उसको कैसे बाय किया करके। तभी वो बोलता है कि जैसे कि लिंशी ने कहा था, हमें अपने रियल लाइफ से सीखना चाहिए। और इसके अलावा मैंने 1 बिलियन के करीब पैसा एक्सपेंसिव फूड को खरीदने में खर्च किया, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं भी इस तरीके से जाके बार्गेन करता था। और तभी सीईओ पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, तो ये बताता है कि मैं ट्रेन स्टेशन गया, हॉस्पिटल गया, और मैंने वहाँ देखा कि लोगों का जो लाइफ होता है वो कितना डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, सबका अपना अपना एक लाइफ स्टाइल होता है। हाँ, और मेरा जो दिमाग और देखने का नज़रिया है वो काफ़ी वाइड वाइड हो गया है करके। हाँ, और तभी सी ये बोलता है हाँ, क्योंकि तुमने पहले कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए अब तुम ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो तुम अपना फीलिंग ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। और तभी ये बोलता है कि हाँ, मुझे अभी भी याद है कि मुझे हॉस्पिटल में कैसा फील हुआ था जब मैंने एक्सपीरियंस किया था कि कभी कोई मर जाता है तो क्या होता है, या कोई जिससे प्यार करता है उनका कोई मर जाता है तो कैसा फील होता है, और किस टाइप के गॉसिप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो मैं उस फीलिंग को कभी नहीं भूल सकता, और मैंने अपना सारा दिन जो था हॉस्पिटल में गुजारा और सारा ये सब एक्सपीरियंस लिया। तो सीईओ शांति से सुनता है और फिर कहता है कि या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ रिव्यू करूँ करके। और तभी सीई बोलता है ठीक है, तुम पेशेंट का रोल प्ले कर सकते हो और मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगा करके। और तभी बोलता है विच काइंड ऑफ फैमिली, किस टाइप की फैमिली। तो सीईओ बोलता है लवर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, कजन। और तभी कुछ समझ में नहीं आता तो बोलता है मैं कोई रैंडम फैमिली मेंबर बन जाऊंगा। क्या उसमें कोई डिफरेंस है? तो सीईओ बोलता है हाँ, उसमें डिफरेंस है, यदि हम लवर्स होंगे तो जैसे ही आगे बोलने वाला होता है कि लवर्स होंगे तो लवर्स के मन पे जैसे दुख होता है उतने में ही उसको चुप करा देता है और बोलता है ठीक है बस जाके तुम लेट जाओ। तो सीईओ लेट जाता है। अब ये बहुत ही डीप ब्रीद लेता है और सीईओ को दिखाते हैं कि वो सिक है और लेटा हुआ है करके। तभी ये अपना हाथ बढ़ाता है और सीईओ के छाती पे रख के उसको प्रेस करने लगता है, क्योंकि वो देख रहा है ना ये पेशेंट है करके। इस तरह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और ये एकदम सीईओ के कान के पास पास ही पहुंच जाता है। तो सीईओ को समझ में नहीं आता क्या क्या हो क्या रहा है। और तभी ये बोलता है, रैंडमली एक नाम ले लेता है सीईओ का, रख देता है कि जैन तुम रुको, तुम मरना मत करके ठीक है। और तभी वो बोलता है कि अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। तो हमारे सीईओ अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं,
और देखते हैं कि कैसे फेसेस बना रहा है, कितना सैड है। और तब इसी बोलता है कि मैं साइन हो करके, तो ये बोलता है कि तुम ठीक कैसे हो सकते हो, अपने आप को देखो और तुम्हारी जो उंगलियां हैं उनमें से खून निकल रहा है करके। और जो कभी सी अपने मन में सोचता है कि यदि हमारे फिंगर पे कोई कट लग जाता है तो ये कोई फेटल बीमारी नहीं होता है। आज ये सीरियस तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब तो ये जो होता है सी ये तो ग्रैब कर लेता है सडनली, उसके कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अब तुम अपना को मतलब इकट्ठा कर लो, पुल योर सेल्फ जिससे कि तुम मर ना सको। तो सीईओ बोलता है कि वेट करो, और वेट करो के चक्कर में सीईओ नीचे की तरफ गिर जाता है। और तभी गुरु भी एक्टिंग में शामिल होता है, बोलता है जैक तुम मरना मत, जैक तुम मरना मत, उठो उठो करके। और फिर दिखाते हैं कि कैसे सीईओ की डेथ हो गई, और फिर उसका फोटो वोटो चढ़ा दिया और सब शोक मना रहे हैं। और ये बोलता है कि हमारा जो बच्चा है वो अभी बहुत यंग है, तुम कैसे हमें ऐसे छोड़ के जा सकते हो। एक तरह की अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, और रूरू दुखी होने की जगह देखो कितना हैप्पी नजर आ रहा है। और यहाँ पर सीईओ बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी ही बोलता है कि कैसा था मेरा एक्टिंग, मुझे बताओ क्या मेरा एक्टिंग ठीक था, क्या मैंने कोई अच्छी प्रोग्रेस की। तो सीईओ को लगता है कि ये किस टाइप का एक्टिंग था, और वो बोलता है नो। पर ये बोलता है कि मैंने थोड़ा सा रियलिटी के हिसाब से अपना एक्टिंग को सुधारा है करके। रूरू और सीओ एक दूसरे को हक करके बैठते हैं, और सीओ बोलता है नॉट बैड नॉट बैड करके, तुम और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाओगे करके। अब क्या होता है, सीईओ अपने मन में सोचता है कि मैं ये को कैसे बताऊं कि इसको बुरा ना लगे कि वो ऐसे रैंडमली अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकता, उसे सही पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कितना प्राउड है कि उसने जो है प्रोग्रेस कर ली है करके एक्टिंग के क्षेत्र में। और बोलता है कि मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और बेटर बनूंगा। और तभी ये बोलता है फिर से कि तुम फिर से लेट जाओ, मैं फिर से प्रैक्टिस करूंगा। और तभी ये बोलता है नहीं मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम है करके। और वो बोलता है कि तुम एक काम करो, जूरू के साथ ही प्रैक्टिस करो करके। और फिर जूरू और ये एक अपना मुंह बनाने लगते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग सैड से हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ओके बोलते हैं। अब सीईओ जाता है, दरवाजा बंद करता है और चैन की सांस लेता है। और तभी वो मिस्टर भाईजान मोमो को फोन लगाता है, बोलता है कि तुम्हें एक प्रोफेशनल टीचर ढूंढना पड़ेगा ये के लिए, जिसको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो और वो उसे कुछ सिखा सके। और तभी दिखाते हैं कि ये रूरू को उठा रहा होता है, क्योंकि रूरू थक जाता है और वो सो जाता है, लेकिन ये तो अभी भी प्रैक्टिस करना होता है। तो दिखाते हैं कि फोन बजता है, और इसलिए फोन ये की माँ का होता है। और तभी वो फोन उठाता है और अपनी माँ को हेलो बोलता है, और उसकी माँ बोलती है कि तुम गुरु को वापस घर लेके आओ। तो दिखाते हैं कि लिंग वाई अपनी मॉम को फोन करती है और बोलती है कि मॉम आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, और जो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम और र्यूमर थे वो अब सॉल्व हो गए हैं करके। इस वक्त लिंगवाई जो होती है अपने बालों को ड्राई कर रही होती है और अपनी मदर से बात कर रही होती है। तो लिंगवाई की मदर बोलती है ठीक है गुड, और अब टाइम हो गया है कि तुम भी जाके थोड़ा रेस्ट करो। लिंगवाई की मदर भी कंप्यूटर पे काम कर रही होती है, और तभी वो बोलती है कि मुझे कल कुछ फिल्म्स को शूट करना है तो तुम अपना ध्यान रखना और बाय। और तभी उसकी मदर बोलती है कि लिंगवाई 1 मिनट रुको, और वो अपने लिंगवाई की जो मदर है वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है कि तुम्हारे डैड। और तभी लिंगवाई जो है थोड़ा सा थैट सा प्रिटेंड करती है, बोलती है क्योंकि उसकी मदर पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे पापा को पता है कि वो कहाँ गलत थे करके।
और तभी लिंग वाई बोलती है कि मॉम आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और डैड ए तभी घर जाएंगे जब उन्हें समझ में आएगा कि वो कहाँ रॉन्ग थे करके। और तभी लिंग वाई की मदर सोचती है कि अभी तक मेरे हस्बैंड को रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या गलती करी है करके। और तभी लिंगवाई बोलती है ठीक है मैं अब फोन रख रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, और जो है आप इस अपना फोकस जो है अपने जॉब पे पूरा समय करना बंद करो, आपको भी जल्दी सोने की जरूरत है करके। और तभी लिंगवाई भी बोलती है ठीक है मैम। और फिर उसके बाद में लिंगवाई अपने मन में सोचती है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग अपने वर्क में उस तरीके से डेडिकेट नहीं होते जैसे तुम हो करके अपनी माँ को वो बोलती है। उसकी माँ पीछे थोड़ा कुर्सी पे झुकती है और बोलती है ये सब मेरे लिए थोड़ा आसान होता यदि तुम्हारे डैड जो है सारा काम मेरे सिर पे छोड़ के नहीं गए होते अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और उन्हें पता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा जो है उनके लेग्स जो है पैर जो है वो बहुत खराब होते जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं। उसके बाद भी तुम्हारे पिताजी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और जो अब तुम्हारे ग्रैंडपा है अब वो पहले की तरह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रहे क्योंकि ओल्ड हो गए हैं। और तब भी तुम्हारे फादर ने घर को पीछे छोड़ के जाने का सोचा और ये सारी चीजें मेरे सिर के ऊपर डाल दी, कितना बेशरम आदमी है तुम्हारा बाप। तभी लिंगवाई जो है सब सुन रही होती है और उसकी मदर फिर से कहती है यदि मैं इतना काम नहीं करती इतने सालों तक तो ही फैमिली जो है वो अभी तक तो मतलब ब्रोक हो गई होती, मतलब अभी तक डूब गई होती। और तभी लिंगवाई बोलती है कि मॉम आप जो हो बहुत ही डोमिनेटिंग हो और आपको हार्ड वर्क करना पसंद है, और जो डैड है वो आपका ये जो जेंटल साइड है मतलब आपका नरम साइड वो देख नहीं सकते हैं। और दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि मैं सब कुछ आपके सिर के ऊपर छोड़ के चला जाऊंगा कंपनी वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आप जो आप वो डैड से प्यार करती है और आप डैड के ऊपर काफी लंबे से मतलब निर्भर रहना चाहती हो, लेकिन आपने ये चीज कभी भी उनको दिखाई नहीं कि आप भी एक जेंटल लेडी हो करके, और ये वो कभी नोटिस नहीं करेंगे जब तक आप उनसे ओपनली बात नहीं करोगी। और तभी उसकी मदर बोलती है कि जो भी हो तुम हमेशा मेरे साथ बहस करने के लिए पॉइंट ढूंढी लेती है, तुम और तुम्हारे पिताजी जो है वो सेम बोट के ऊपर सवार हैं करके, और एक चीज मैं ही हूँ जो यहाँ पर इतने पुअरली मुझे तुम लोग ट्रीट कर रहे हो करके, और मैं रुआन फैमिली की लेडी हूँ, शादी से पहले मैं रुआन फैमिली की लेडी थी और अब मैं यहाँ पर एक स्लेव की तरह ही फैमिली के लिए काम कर रही हूँ करके, और तुम दोनों ही काफी बोल्ड हो जो अपने आर्टिस्टिक ड्रीम को पूरा करने के लिए चले गए, और तुम लोगों को कोई फैमिली वैमिली का टेक केयर करने का कुछ तुम लोगों ने सोचा नहीं, और यदि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते तो मैं भी चली जाती थी, और तुम लोग जो मैं तुम लोगों को इतने दिन तक तुम्हारी ये इच्छा वाला काम करने नहीं देती थी, तुम लोग सब स्लैक कर रहे हो। तो लिंगवाई एक गहरी सांस लेती है और फिर थोड़ी देर सोचती है, और तभी दिखाते हैं इनका फ्लैशबैक कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर लिंगवाई के जो ये है दादा दादी हैं उनको दिखाते हैं, और तभी वाइफ बोलती है यहाँ पर लिंगवाई जो है अपने यंगर एज में है और उसकी माँ बोलती है कि जून लिंगवाई मैं इसी मतलब ये हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम मुझे सोच रही हो,
और मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए करके। एंड तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है, और सब लोग पूछते हैं तो फिर तुम कौन हो। तो इनका बेटा बोलता है कि मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि मैं फैमिली बिजनेस करने के लिए नहीं बना हूँ, और ना ही काम करने के लिए बना हूँ, और ना ही मैं डैड के जैसा लाइफ जीने के लिए बना हूँ। तो ये फिर चारों के चारों उसको देखते हैं और बोलते हैं हाँ तो आखिरकार क्या करना चाहते हो। और तभी दिखाते हैं कि कैसे लिंग भाई के फादर ने कहा था कि मैं जो हूँ एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ हूँ करके। और तभी सारे के सारे लोग उसको देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये मिडिल एज आदमी अब अपने सपनों को पूरा करना चाह रहा है करके। और तभी वो फिर से बोलता है, डैड मॉम जून लिंगवाई आई एम सॉरी, मतलब अपनी माता पिता और अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है। तो और बोलता है कि मुझे अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है। तो मैं जो अपना इतना सारा लाइफ का समय था मैंने वैसे ही करा जैसा आप लोगों ने मेरे लिए प्लान किया था, और मुझे बहुत ही सफोकेशन फील होता है। मैंने अपना आधा लाइफ इस चीज में बर्बाद कर दिया है, और मेरा जो लाइफ है वो हमेशा से एज ए एक्टर के लिए बिलोंग करता है। और मैं जो हूँ वो दिखाते हैं मतलब कैसे वो एक्टर बनना चाहता है, और मैं जो हूँ अब अपने सपनों के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो जो इसके फादर होते हैं वो बोलते हैं नॉनसेंस, ही यू क्यू यानी इनके लिंगवाई के डैड का नाम ही यू क्यू है। तो दादाजी बोलते मतलब फादर बोलते हैं कि तुम आखिरकार क्या क्या करना चाह रहे हो, और क्या तुम अपने फादर को डिफाई करना चाह रहे हो, मतलब अपने फादर का कहना नहीं सुनना चाहते हो। तो इनका बेटा बोलता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री और स्टोरी बहुत पसंद है करके, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मूवीज बनाना चाहता हूँ, ड्रामा बनाना चाहता हूँ, और मैं उनको एक बहुत बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बेस्ट मूवी और बेस्ट आर्टिस्ट मतलब बनाना चाहता हूँ। तो ये चारों के चारों फिर उनके सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अब ये आदमी फिर क्या करना चाह रहा है। तो लिंग भाई जो ये फ्लैशबैक बताती है वो यहाँ खत्म होता है, और बोलती है उसी दिन के बाद से जो इसके डैड थे वो उन्होंने घर को छोड़ दिया अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और मैं अब सोचती हूँ कि आखिरकार मेरे डैड वाकई में क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना पैर कदम रखा। और मुझे नहीं लगा था कि ये जो है वो भी एक्टर ही बनेगा करके, वो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होगा। लिंग वही कुछ किताब खुलती है और उसमें कुछ देखती है, और उसमें वो देखती है कि ली ने बहुत सारे पहले भी सीरीज में काम किया है, और ये सारी सीरीज मेरे डैड ने प्रोड्यूस की थी। और फिर वो सोचती है कि हो सकता है मेरे डैड उस वक्त ही को सपोर्ट करना चाहते हों, और वो ही को इमेजिन करती है कि कैसे लोग उसको मतलब प्यार करते हैं। और तभी लिंग वाइज सोचती कि लेकिन जो भी प्रोडक्शन आज तक मेरे डैड ने किया वो सारे के सारे फेल और फ्लॉप हो गए, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनके एक्टिंग एजेंसी में कभी इनवाइट नहीं किया गया मुझे उनके प्रोडक्शन हाउस में। और उनका जो आर्टिस्टिक ड्रीम है वो बहुत ही फेलियर वाला ड्रीम है, उनको कोई जो है एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। और तभी वो देखते हैं कि लिंग भाई देख सोचती है कि मैं जो वो सोच रही हूँ कि उनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला, मतलब अभी तक तो सब कुछ फ्लॉप फ्लॉप चीजें दी हैं डैड ने, तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत ही सेंसिबल लोग हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मॉम भी बहुत अच्छी है करते हैं। अब लिंग भाई यहाँ अपने डैड को याद कर रही होती है तो वहाँ पर उसके डैड को चीख आती है, और इस वक्त वो देख रहा होता है कि कैसे लव चेजिंग एडवेंचर ऑफ द ओवर बियरिंग सीईओ वाली कोई स्क्रिप्ट वो पढ़ रहा होता है। और
काफी सारी किताबें मतलब पढ़ रहा होता है, जैसे माई मैच्योर सीईओ, वेट फॉर मी, और हाइड अवे फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, काफी सारी किताबें दिन भर के डेस्क पढ़ रहे होते हैं। और क्या होता है, उनके दिमाग में एक आइडिया चलता है और वो सोचते हैं कि मैं वाकई में कोई आर्टिस्टिक मूवी बना सकता हूँ। अब इतने सालों से तो कुछ नहीं किया, अब वो सोच रहे कि अब वो कुछ कर सकते हैं। तभी घर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वीरू ने जूते वूते पहने और रेडी हो गया है। और तभी ही बोलता है कि मिस्टर लिन ने कहा है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है रियल लाइफ के बारे में, और उन्होंने मेरे लिए प्रोफेशनल टीचर ढूंढा है, तो मुझे उनसे मिलने के लिए जल्दी जाना होगा। तो क्या तुम रूरू को मेरे पेरेंट्स के घर भेज सकते हो मेरी जगह पे? तो रूरू तो एकदम रेडी है, अपने जूते वूते एकदम टाइडी वाइडी कर रहा है। तो सीओ बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ये बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स पे तुम्हारा इम्प्रेशन बहुत अच्छा है, और उन्होंने बहुत अच्छे से एग्री भी कर दिया कि रूरू तुम्हारे साथ पे रह सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं करके। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहिए करके। लेकिन मैं पहले बहुत डरा हुआ था कि यदि उनको पता चलेगा तो क्या होगा। तभी सीईओ बोलता है कि मिस्टर एंड मिसेस ली जो है वो बहुत ही काइंड पीपल है, और मैं जो हूँ मैं चाहता था कि वो रूरू को अपने साथ लेके जाए, बट रूरू नहीं जाना चाहता था मुझे छोड़ के, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बोलता है क्या तुम श्योर हो? और तभी रूरू पीछे से आवाज निकलता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। वो अपना बैग वैग ले लेता है, अपने शूज बांध लेता है, टाइडी अप हो जाता है, बोलता है मैं रेडी हूँ और हम लोग को अब चलना चाहिए ब्यूटी और हैंडसम को मिलने के लिए, यानी मिस्टर यी और मिसेस यी को मिलने जाना चाहिए करके। अब दिखाते हैं कि रूरू जो है अपनी डक को देख रहा होता है, और वो बोलता है कि देखो ऊपर भी देखो, डकी शेप का क्लाउड बना हुआ है। और वो बोलता है कि फैंग फैंग ऊपर देखो। तो फैंग फैंग बोलता है हाँ मैंने उसे देखा, वो बहुत क्यूट है करके। और तभी हमारा जो सीईओ है वो मोबाइल में देख रहा होता है कि कैसे वहां पर मैसेज आ रहे हैं, जैसे ब्यूटी लव्स बेबी रूरू, फैन कुड यू प्लीज सेंड रूरू डायरेक्टली टू द एड्रेस ऑफ आई फ्रेंड, मतलब कि फैन तुम मेरे रूरू को उस एड्रेस पे भेज दोगे क्या जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया है? और वो एक एड्रेस लिख देते हैं कि इस गार्डन के पास और इस नंबर पे हमारा घर है करके। तो सीईओ लोकेशन याद कर लेता है, और सभी वो देखते हैं कि वो पूछते हैं कि पता नहीं तुम्हारे लिए ये कन्वीनियंट है कि नहीं उसको हमारे ओरिजिनल प्लेस पे भेजने के लिए, यदि तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। तो सीईओ बोलता है कि कुछ इनकन्वीनियंट नहीं है मिसी जी, मैं वहां पर 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब इन लोगों का मैसेज में बात खत्म होता है, और वो जो है कि सीईओ ने लोकेशन को पिन पॉइंट कर लिया होता है। और तभी वो सोचता है कि ये तो ही फैमिली का मेंशन है करके। और तभी ये बोलता है कि ड्राइवर करो तुम हमें पिन गार्डन की तरफ, गार्डन डिस्ट्रिक्ट में। तो ड्राइवर बोलता है ओके सर। और तभी रूरू पूछता है कि जो ये डक शेप का क्लाउड है क्या वो डक्स ने बनाया है, और 1 2 3 करके गिनने लगता है। और वो सी और रूरू गाड़ी से उतरते हैं और मेंशन के सामने खड़े होते हैं। और तभी सी अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये रियली ही फैमिली का मेंशन हाउस है। तो रूरू भी देखता है और सोचता है कितना बड़ा घर है। और तभी मिस्टर ई और मिसिज ई बाहर आते हैं, बोलते हैं कि इस तरफ आओ, और रूरू भी खुश होकर उन लोगों को ग्रीट करता है और बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून करके। और तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने रूरू को यहाँ पर लेके आया करके। तो सीओ बोलता है इट्स ओके। रूरू फटाफट मिस्टर ली की गोद में चला जाता है और एकदम से उनको प्यार करने लगता है, लेकिन सीओ को थोड़ा सा हेजिटेट सा फील हो रहा होता है। अब क्या होता है कि तभी वो पूछता है कि आप लोगों ने अपना आइडिया क्यों चेंज कर लिया और आप लोगों ने रूरू को यहाँ क्यों देखने के लिए बुलाया? तो
तो मिस्टर ही और मिसेस ही जो थे कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर सब लोग एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तो मिसेस ही बोलती है कि ये जो है मेरा घर है करके।